इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे तीन घरेलू नुस्खों की जो मेनली आपका बेली फैट कम करने में हेल्प करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सीमा और मैंने अपना 28 केजी 28 किलो वेट लूज किया है 100% हेल्दी और नेचुरल वे से। इन वीडियोस के थ्रू मैं अपने वेट लॉस एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। पिछले वीडियो में हमने जाना उन बेस्ट 6 तरीकों के बारे में जिनसे आप अपना बेली फैट कम कर सकते हैं। तो अगर आप अपना बेली फैट कम करना चाहते हैं तो उस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। मैंने उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उसे जरूर देखें। तो चलिए अब बात करते हैं इन तीन होम रेमेडीज की। इसमें सबसे पहली है टर्मरिक जिंजर सिनेमन टी। टर्मरिक जिंजर और सिनेमन तीनों ही आपके लीवर के पास जमा फैट को कम करते हैं, मतलब ये सीधे ही आपके बेली फैट को कम करते हैं। और अगर इन तीनों स्पाइसेस को एक साथ मिला दिया जाए तो यह आपके लिए कंप्लीट बेली फैट कटर ड्रिंक बन जाती है। इसके साथ ही साथ यह टी एक बहुत ही बढ़िया डिटॉक्स ड्रिंक है, मतलब यह आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करती है और साथ ही साथ आपके मेटाबॉलिज्म को भी इंक्रीज करती है। मतलब इससे सिर्फ आपका बेली फैट ही नहीं, आपका ओवरऑल बॉडी फैट कम होता है। इसे बनाना भी बहुत आसान है। इसे बनाने के लिए 1 इंच टर्मरिक रूट और 1/2 इंच जिंजर रूट को ग्रेट करके 1 ग्लास पानी में मिलाकर 5 मिनट के लिए बॉईल करें। अब इसमें थोड़ा सा सिनेमन या दालचीनी पाउडर मिलाकर के और 2-3 मिनट के लिए बॉईल करें। अब इसे 1 कप में छानकर पी सकते हैं। और अगर आप इसे गर्मियों में यूज कर रहे हैं तो आप इसमें थोड़ा सा मिंट लीव्स भी ऐड कर सकते हैं। इसे पीने का सबसे सही समय है सुबह ब्रेकफास्ट से पहले 1 कप या फिर सोने से 1/2 घंटे पहले। सेकेंड होम रेमेडी है जीरा पाउडर और फ्लैक्सीड पाउडर मिला हुआ लो फैट दही। इसके लिए आप 1/2 चम्मच फ्लैक्सीड पाउडर और 1/2 चम्मच जीरा पाउडर को लो फैट दही में मिलाकर अपने सुबह के नाश्ते के साथ खा लें। यह आपके बेली फैट को कम करने में काफी हेल्प करेगा। इसके साथ ही साथ ये फूड आपके डाइजेशन को भी बहुत अच्छा कर देता है और डाइजेशन का अच्छा होना आपके ओवरऑल फैट लॉस के लिए बेहद जरूरी है। अगर आपको डाइजेशन से रिलेटेड कोई भी इशू है तो आप उसे इग्नोर ना करें। आप कॉन्स्टिपेशन, गैस या ब्लोटिंग के साथ कभी भी वेट लॉस नहीं कर सकते और इस कंडीशन में यह जीरा पाउडर और फ्लैक्सीड पाउडर मिला हुआ दही आपकी काफी हेल्प करेगा। बेली फैट कम करने के लिए थर्ड इफेक्टिव रेमेडी है एसीवी या एप्पल साइडर विनेगर। एप्पल साइडर विनेगर में मेनली एसिटिक एसिड नाम का कंपोनेंट होता है जो आपके ब्लड शुगर लेवल को कम करके आपकी भूख को काफी कम कर देता है। एक स्टडी के अकॉर्डिंग अगर आप सुबह खाने के साथ 1 चम्मच एसीवी लेते हैं तो आप दिन भर में 200 कैलोरीज तक कम इंटेक करेंगे और अल्टीमेटली आपका वजन कम होगा। इसके साथ ही साथ यह एसीवी मेनली आपके बेली फैट या स्टमक फैट को कम करने में हेल्प करता है। अब जल्दी पतला होने के लिए आपको यह तीनों रेमेडीज एक साथ नहीं लेनी है। आप हर रेमेडी को 7 से 10 दिन तक यूज करें और फिर बदल दें। और जैसा कि मैं आपको हमेशा कहती हूँ, यह रेमेडीज तभी आपके सबसे ज्यादा असर करेंगी जब आप इनके साथ एक प्रॉपर डाइट फॉलो करेंगे। और बेली फैट रिड्यूस करने के लिए कई और इफेक्टिव डाइट टिप्स मैंने अपने एक दूसरे वीडियो में भी शेयर किए हैं, आप उसे देखना ना भूलें। उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप यह इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें जिससे ये दूसरे लोगों के भी काम आ सके। और अगर आपको वेट लॉस से रिलेटेड कोई भी गाइडेंस चाहिए तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और इसी तरह के वेट लॉस टिप्स, डाइट और फूड के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।